हे माई लव्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्पार्कल रोजी मेकओवर। सो आज मैं ईजी एंड अफोर्डेबल दिवाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो आप सब ईजीली क्रिएट कर सकते हैं इस दिवाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी गोल्डन स्किन्स की सीरम को लेकर मैं 3 to 4 ड्रॉप अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड फेस पे अच्छे से इसे मसाज करूँगी एंड नेक पे भी मैं अच्छे से इसे मसाज कर लूँगी। इसे आपके फेस को हाइड्रेशन एंड ग्लो प्रोवाइड होगा। इसके बाद मैं कलर बार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर अप्लाई करूँगी सेंटर पार्ट ऑफ माय फेस पे, जहाँ मुझे पोर्स है एंड स्विट्स भी हो जाता है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ये अच्छे से आपके पोर्स को ब्लर एंड फिलअप कर देता है। एंड आज के लुक के लिए मैं सिर्फ 2 कंसीलर यूज़ करूँगी, स्विस ब्यूटी एंड मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर। फर्स्ट स्विस ब्यूटी कंसीलर को मैं अंडर आई, लिप कॉर्नर एंड फोरहेड एंड जहां मुझे स्पॉट्स है वहां मैं अप्लाई करूंगी एंड देन कबूकी ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी। सेकेंड मैं मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर को अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी फेस को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए एंड अच्छे से सेम कबूकी ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर को मैं सेट करूंगी फेसेस कनाडा मैट कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से। इसे मैं पाउडर पफ में लेकर अंडर आई, नोज कॉर्नर, चीन एंड आईलिड को सेट कर लूंगी। आई शेडो पैलेट मैं आज मार्स पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें से मैं ये लाइट ब्राउन शेड को लेकर पूरे क्रीज एरिया पे सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड कर लूंगी एंड स्लोली कलर को बिल्डअप करूंगी। देन मैं शेड को लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड करूंगी सेम ब्रश के हेल्प से। नेक्स्ट शेड मैं ये चेरी रेड शेड को लेकर आउटर वी कॉर्नर पे एंड इनर कॉर्नर पे प्लेस करूंगी एंड एजेस को मैं लाइटली ब्लेंड करूंगी। देन मैं सेम वे पे इनर कॉर्नर को भी ब्लेंड कर लूंगी एंड सेम ब्रश से मैं लाइटली क्रीज एरिया को ब्लेंड कर लूंगी सेम ब्राउन शेड को लेकर। नेक्स्ट मैं ये गोल्डन शिमर शेड को फिंगर पे लेकर सेंटर लीड एरिया पे अप्लाई करूंगी, पूरे सेंटर पार्ट पे मैं फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। रेड शेड को लेकर आउटर वी एंड इनर शेड को थोड़ा इंटेंसिफाई कर लूंगी। इसके बाद मैं लूज ग्लिटर यूज कर रही हूँ गोल्डन कलर का। सो इसे मैं सिर्फ सेंटर पार्ट पे फिंगर के हेल्प से अप्लाई करूंगी थोड़ा सा ग्लिटरी एंड स्पार्कली लुक देने के लिए। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ब्राउन एंड ब्लैक शेड को थोड़ा थोड़ा लेकर ब्राउज को फिलअप कर लूँगी लाइट हैंडेड एंड स्पूली से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी ब्राउज के साथ। देन मैं मेबलिन कोलोसल ब्लैक लाइनर से विंग लाइन ड्रॉ कर लूँगी लैश लाइन के क्लोज। इसके बाद मैं वेगा लैश कलर से लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी एंड देन मेबलिन द हाइपर कर्ल मस्कारा से अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी अच्छा सा वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए। एंड आज के लुक में मैंने कोई भी आई लैशेज यूज़ नहीं किया है। सेम आई शेडो पैलेट से मैं ये लाइट ब्राउन शेड को लेकर ब्रॉन्जिंग कर लूँगी चीक बोन, जॉ लाइन एंड नोज को। देन मैं स्विस ब्यूटी पैलेट से ये ब्लशर को लेकर चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी एंड अपर डायरेक्शन पे ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देने के लिए। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ये शैम्पेन हाइलाइटर से हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी एंड साथ ही ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी मैट लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी इन दी शेड 27 न्यूड बॉम। ये बहुत ही सुंदर सा एक पिंकिश न्यूडिश कलर है। इसके बाद मैं इसके टॉप पे अप्लाई करूँगी रीने का लिप ग्लॉस, ये बहुत ही सुंदर सा एक पीच कलर का लिप ग्लॉस है। एंड लास्टली मैं फेसेस कनाडा मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लूँगी पूरे मेकअप को सेट करने के लिए एंड दिस इज़ द कंप्लीटेड लुक। आई होप आप सभी को ये लुक पसंद आया होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ मिनी ट्यूटोरियल्स देती रहती हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन बाय गाइज़।